हेलो एवरीवन, आई मंजू भारद्वाज, लेक्चरर इन इंग्लिश, वेलकम यू टू इंग्लिश पुस्तकालय। कोविड 19 के कारण करंट सेशन में स्कूल क्लोज रहने की वजह से HBSC ने सेशन 2020-21 के सिलेबस में रिडक्शन किया है और आज के वीडियो में हम क्लास 9th एंड 10th के सब्जेक्ट इंग्लिश के रिड्यूस सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्लास 9th का सिलेबस देख लेते हैं। क्लास 9th में हमारे पास चार सेक्शंस होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड लिटरेचर। लिटरेचर में हमारे पास टू बुक्स हैं, बीहाइव एंड मोमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपकी फर्स्ट बुक बीहाइव। ये आपकी मेन कोर्स बुक है। इसमें प्रोज और पोएट्री टू पार्ट्स हैं और मैक्सिमम सिलेबस इसी में से आता है, और जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो भी इसमें से ही ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। तो पहले हम इसी बुक का सिलेबस देख लेते हैं। बीहाइव का फर्स्ट पार्ट है प्रोज। इसमें टोटल आपके 11 लेसन्स थे। द फन दे हैड, जो कि आपको करना है, द साउंड ऑफ म्यूजिक, ये भी सिलेबस में है, द लिटिल गर्ल, ये भी है, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये भी आपको करना है, द स्नेक एंड द मिरर, ये आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है, माई चाइल्डहुड, ये आपको करना है, पैकिंग भी सिलेबस में है, रीच फॉर द टॉप भी आपको करना है, द बॉन्ड ऑफ लव, ये लेसन भी आपको करना है, लेसन नंबर 10 काठमांडू, ये आपके सिलेबस में अब नहीं है, तो इसको आपको फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। लास्ट लेसन इफ आई वर यू, ये भी आपके सिलेबस में है और आपको ये करना है। तो प्रोज सेक्शन में से हमारे कौन से दो चैप्टर डिलीट हुए हैं? चैप्टर नंबर 1 द स्नेक एंड द मिरर एंड 2 काठमांडू, ये दोनों आपके सिलेबस से डिलीट हो गए हैं और आपको अब ये प्रिपेयर नहीं करने हैं फाइनल एग्जाम के लिए। ये स्टूडेंट्स, अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बीहाइव का 2nd पार्ट है, पोइट्री सेक्शन। इसमें भी टोटल 10 पोएम्स आपके सिलेबस में थी। फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन आपको अभी भी करनी है, 2nd पोएम विंड, ये भी आपके सिलेबस में है, 3rd पोएम रेन ऑन द रूफ, ये भी सिलेबस में है और आपको प्रिपेयर करनी है, 4th सिलेबस द लेक आइल ऑफ एंसफ्री, ये आपके सिलेबस से डिलीट हो गई है, नेक्स्ट पोएम अ लीजेंड ऑफ नॉर्थ लैंड आपको करनी है, अगली पोयम जो नो मैन आर फॉरन है वो भी आपके सिलेबस में है और करनी है, द डक एंड द कैंगरू, ये आपके सिलेबस से डिलीट हो गई है तो आपको ये नहीं करनी है, नेक्स्ट ओन किलिंग अ ट्री, ये भी आपके सिलेबस में है और करनी है, द स्नेक ट्राइंग, ये भी आपके सिलेबस में है और आपको करनी है, लास्ट पोयम पोयम नंबर 10 अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, अब आपके सिलेबस से डिलीट हो गई है, तो ये वाली जो पोयम है आपको फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करनी है। सो स्टूडेंट्स, बीहाइव के पोइट्री सेक्शन में से क्या क्या डिलीट हुआ है? 3 पोयम्स आर डिलीटेड, द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, द डक एंड द कैंगरू एंड अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ये तीनों पोयम आप अपनी बुक में से क्रॉस कर लीजिए, ये आपके सिलेबस से डिलीट हो गई है और फाइनल एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर नहीं करनी है। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी 2nd बुक है, सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स। ध्यान से देख लीजिए, ऑफलाइन स्टडीज़ में और ऑनलाइन स्टडीज़ में ये प्रॉब्लम 9th क्लास के स्टूडेंट्स को स्पेशली आ रही है कि वो अपनी बुक को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो टू बुक्स आर देयर, फर्स्ट बुक आपने देखी बीहाइव और ये आपकी 2nd बुक है मोमेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, मोमेंट्स में भी आपके टोटल 11 चैप्टर्स थे। फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड, 2nd द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, 3rd ईश्वरन द स्टोरी टेलर, 4th चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स, 5th चैप्टर द हैप्पी प्रिंस, 6th चैप्टर वेदरिंग द स्ट्रॉम इन रिज्मा, नेक्स्ट द लास्ट लीफ, 8th अ हाउस इज नॉट अ होम, 9th चैप्टर द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, 10th चैप्टर द बैगर एंड लास्ट वन
रोड सेफ्टी। अब इसमें से जो आपके टिक्ड है, रेड पेन से जो टिक्ड है वो आपके सिलेबस में है, और जिसे टिक नहीं किया गया है वो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं। कौन कौन से हैं वो? चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 9। मोमेंट्स में से जो दो चैप्टर डिलीट हुए हैं आपके, वो आपके अलग से भी मैंने आपको लिख कर दे दिए हैं, ईश्वरन द स्टोरी टेलर एंड सेकेंड द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। आप अपनी बुक में अच्छे से इन्हें क्रॉस कर लीजिए। ये जो दो टॉपिक हैं वो आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करने हैं। सो स्टूडेंट्स, लिटरेचर सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, दोनों बुक का सिलेबस हमने देख लिया है। अब ग्रामर के सिलेबस में से देखते हैं कि कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, सिर्फ दो ही टॉपिक हमारे डिलीट हुए हैं। एक तो आपको चेंज ऑफ वॉइस प्रिपेयर नहीं करना है और दूसरा क्लॉजेज नहीं करने हैं। तो ग्रामर में से सिर्फ ये दो टॉपिक छोड़कर बाकी सभी आपको प्रिपेयर करने हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में से जो डिलीट हुए थे बस यही टॉपिक थे। राइटिंग सेक्शन में कोई भी चेंज नहीं है, और जो आपका रीडिंग सेक्शन है उसमें भी अनसीन कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते थे, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आपका करंट आफ्टर रिडक्शन टॉप जो सिलेबस है साइट के ऊपर, HBSC की साइट के ऊपर, वही है। उसका ही मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेकर अपलोड किया है। अब आप इसे ध्यान से नोट कर लीजिए और बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, 9th का सिलेबस हमारा डिस्कस हो गया। अब हम करेंगे रिड्यूस सिलेबस फॉर क्लास 10th। आइए देख लेते हैं कि 10th में क्या क्या चेंजेस आए हैं। 10th क्लास के लिए भी एग्जाम में हमारे पास 4 सेक्शंस आर देयर, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड लिटरेचर। लेकिन हम सबसे पहले लिटरेचर सेक्शन को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा जो सिलेबस रिडक्शन आई है वो लिटरेचर के सिलेबस में ही है। लेट्स सी, फर्स्ट बुक इज फर्स्ट फ्लाइट। दिस इज योर मेन कोर्स बुक, ये आपकी मेन कोर्स बुक है। और जो आपकी सेकेंड बुक है सप्लीमेंट्री रीडर, उसका नाम है फूट प्रिंट्स विदाउट फीट। तो पहले हम फर्स्ट फ्लाइट का सिलेबस देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट फ्लाइट बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स का जो सिलेबस आता है वो इसी बुक से आता है। इसके 2 पार्ट्स हैं, प्रोज सेक्शन एंड पोइट्री सेक्शन। प्रोज सेक्शन में आपके टोटल 11 चैप्टर हैं, और आपकी स्क्रीन पे जो टिक मार्क है, रेड टिक से हमने जो टिक्ड सिलेबस है वो आपका सिलेबस रहने वाला है, और जिसे टिक नहीं किया गया है वो चैप्टर आपका डिलीट हो गया है। तो फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, आने वाला है। नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये भी आएगा। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द ब्लैक एरोप्लेन, ये चैप्टर भी आपको प्रिपेयर करना है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, नेक्स्ट चैप्टर है 100 Dresses Part 1, 100 Dresses Part 2, ये भी आपका टॉपिक रहने वाला है और आपको प्रिपेयर करना है। देन कम्स ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, ये इसके 3 पार्ट्स हैं और तीनों ही आपको प्रिपेयर करने हैं। ए बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग एंड टी फ्रॉम असम। इससे जो अगला चैप्टर है हमारा मिजबिल द ओटर, ये आपका सिलेबस से डिलीट हो गया है, ये आपको प्रिपेयर नहीं करना है फाइनल एग्जाम के लिए। देन मैडम राइड द बस, ये भी आपको करना है। द सरमन एट बनारस, ये भी आपको करना है। जो लास्ट लेसन है द प्रपोजल, वो भी आपको करना है। सो स्टूडेंट्स, क्या डिलीट हुआ है हमारा प्रोज सेक्शन से? मिजबिल द ऑटर, ये लेसन आपको अब फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। आइए अब फर्स्ट फ्लाइट के पोएट्री सेक्शन को भी देख लेते हैं, इसमें से क्या क्या डिलीट हुआ है। टोटल 11 पोएम्स थी आपके पास। डस्ट ऑफ स्नो करनी है, फायर एंड आइस ये भी करनी है, अ टाइगर इन द जू ये भी आपको करनी है। 4th पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये आपके सिलेबस से डिलीट हो गई है। नेक्स्ट द बोल पोएम आपको करनी है, अमांडा ये भी आपको करनी है, एनिमल्स ये भी आपको करनी है। पोएम नंबर 8 द ट्रीज सिलेबस से डिलीट हो गई है।
9th एक छोटी सी पोयम है फोग, ये भी डिलीट हो गई है। 10th पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये आपके सिलेबस में है और आपको प्रिपेयर करनी है। लास्ट पोयम फॉर एनी ग्रिगारी, ये आपके सिलेबस से डिलीट हो गई है। तो टोटल आपकी 4 पोयम्स सिलेबस से डिलीट हो गई हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा पोएट्री सेक्शन में से कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं? ये 4 टॉपिक्स, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द ट्रीज, फोग, फॉर एनी ग्रिगारी, ये 4 पोयम्स डिलीट हुई है। और प्रोज सेक्शन से द मिजबिल एंड ऑटर, ये वाला चैप्टर हमारा डिलीट हुआ। ये हमारी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है, बुक नंबर 2, फूट प्रिंट्स विदाउट फीट। आइए इसका सिलेबस देख लेते हैं, क्या डिलीट हुआ है और क्या रहने वाला है। फूट प्रिंट्स विदाउट फीट में ये टोटल 10 चैप्टर्स हैं। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीव स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, ये चैप्टर आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये भी आपको नहीं करना है। फूट प्रिंट्स विदाउट फीट, ये आपको करना है। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ये भी आपके सिलेबस में है। द नेकलेस, ये भी आपको करना है। द हैक ड्राइवर, ये भी आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद भूली, ये चैप्टर भी आपको करना है। लास्ट चैप्टर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है। आपके लिए अलग से भी स्लाइड में लिख दिया है कि फूड प्रिंट्स विदाउट फीट के डिलीटेड टॉपिक्स कौन कौन से हैं। 3 चैप्टर्स आर देयर, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये आपको अब फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करनी है। अब हम देखते हैं कि ग्रामर के सिलेबस से हमारे कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। पहला रिलेटिव क्लॉजेस, दूसरा पैसिव वॉइस हमें नहीं करने हैं, और थर्ड जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो है प्रेपोजिशंस। तो ग्रामर में से सिर्फ ये 3 जो टॉपिक हैं हमें अब प्रिपेयर नहीं करने हैं, बाकी का सिलेबस एज इट इज़ हमें प्रिपेयर करना है। सो स्टूडेंट्स, अब जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये है आपका फुल एंड फाइनल सिलेबस है फॉर द करंट सेशन, सेशन 2020-21 के लिए आफ्टर रिडक्शन। राइटिंग सेक्शन में से और रीडिंग सेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आया है, आपके सारे टॉपिक एज इट इज़ है। रीडिंग सेक्शन में अनसीन कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस थे, और राइटिंग सेक्शन में जो भी आपका ये टॉपिक्स थे वो सब आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर द करंट सेशन। ये आपके सामने जो है, ये HBSC की साइट से ही मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेकर डाला है। तो आप, आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया है कि क्या डिलीट हुआ है और क्या आपको प्रिपेयर करना है। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट सिलेबस ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 9th एंड 10th। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। माई बेस्ट विशेज फॉर एग्जाम। मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर टू दोज हु नीड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you again in the next video.